अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आ गया है नया व्लॉग, वाह वाह वाह, प्लस स्टिचिंग ट्यूटोरियल। इस ड्रेस की स्टिचिंग हम दो दिन में कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। आज का स्टिचिंग ट्यूटोरियल जो है वो इस गाउन का है, तो उसके लिए हमारे पास आ गया है ये फ्यूजन पेपर का एक पीस। इसकी लेंथ और विड्थ तो है वो सेम है, मतलब ये स्क्वायर पीस है, 3.3 इंचज़ लॉन्ग और 3.3 इंचज़ ही वाइड। उसके बाद आपने क्या करना है, 1.5 इंचज़ की कंपास आपने ब्रॉड खोलनी है और उसके साथ आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, और उसके बाद आपने 2-3 सेंटीमीटर छोड़ के इसके अंदर एक छोटा सर्कल ड्रॉ कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, आपने इसको कट कर लेना है और इसमें से ये वाला जो सर्कल है हमारा उसको निकाल लेना है। ये आ गए हैं हमारे पास इस तरह के सर्कल्स, क्योंकि हमारे पूरे गाउन में ये लगे हुए हैं इसलिए हमें ज़्यादा चाहिए। और ये देख लें, फिर हमने क्या करना है, इसको हमने अटैच कर देना है अपने गाउन के उसी पोर्शन पर जिधर हमने ये डिज़ाइन बनाना है, और उसके बाद हमने उसके नीचे उतनी ही लेंथ और विड्थ का एक फैब्रिक का पीस रखना है और उसको हमने कर देना है स्टिच। ये अभी दो सर्कल्स हम आपको बनाना सिखाएंगे, बाकी जो सर्कल्स हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हुए थे और अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम कैसे बना रहे हैं। हमने क्या करना है, जस्ट उसके नीचे उतनी ही लेंथ का और उतनी विड्थ का फैब्रिक हमने रखा है। आप चाहें तो एक ही इतना लंबा अगर आपके पास पीस है उसको भी रख दें, अदरवाइज आपके पास छोटे छोटे पीस जो हैं उनको आप यूज़ कर लीजिएगा। फिर आपने क्या करना है, उसको सारे को हमने स्टिच कर देना है, सिर्फ हम इनर साइड पर ही उसको स्टिच कर रहे हैं, और उसके बाद इसकी बैक साइड से ये जो हमने फैब्रिक यूज़ किया था उसका जितना भी एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको आपने कर देना है रिमूव, और रिमूव करने के बाद हमारा जो इसका इनर पोर्शन है वो भी हमें रिमूव करना है। लेकिन अभी मैं आपको इसको फ्रंट से भी दिखा दूंगी कि ये किस तरह है, और फिर हमने इसको आराम से कर लेना है इसमें से रिमूव, और रिमूव करने के बाद हमने इसको सीधा करके स्टिचेस लगाने हैं। जब भी आप लोग इस तरह रिमूव कर रहे होते हैं इनर पीस या फिर आउटर जो एक्स्ट्रा पोर्शन होता है उसको, तो आराम से किया करें ताकि आप लोगों का डिज़ाइन ख़राब ना हो। इसके बाद हमने इसको छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं, क्योंकि ये राउंड शेप है और राउंड शेप को जब हम सीधा करते हैं तो अगर उसमें कट्स नहीं लगे होते तो उसमें कर्व्स आ जाते हैं और वो फिर अच्छे नहीं लगते। तो इस वजह से अभी ये हमारे पास छोटे छोटे से कट्स लगे हैं, और जैसे मैंने मेंशन किया था कि हमने वो जो इसकी फ्रंट साइड पे लगा के कपड़ा, तो इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है ताकि ये वाले जो हमारे सर्कल्स हैं वो नीट हो जाएं। तो यहाँ पे ये देख लें हमारा, इस तरह हमने उनको करके थोड़ा सा प्रेस कर लिया है ताकि अभी जब हम इनको फोल्ड करके स्टिच करेंगे तो ये आराम से स्टिच हो जाए। आई हैव रेड सम कमेंट्स, तो आप लोगों ने मेरी सिस्टर के बारे में पूछा हुआ है कि मैंने अपने बारे में तो बता दिया आपको सारा कुछ, अभी मेरी सिस्टर के बारे में भी आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मेरी सिस्टर जो है वो साइकेट्रिस्ट है और उसको हम सब पागल लगते हैं, और उसको इंटरेस्ट यही डिज़ाइनिंग में और क्रिएटिविटी में सारा उसका था, तो शी डिडंट परसू दैट प्रोफेशन, इस वजह से उसने ये सारा अपनी जो अटेंशन थी इस काम में लगा दी। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि आप लोग ये पूछते हैं कि हमने स्टिचिंग किधर से सीखी, हमने नहीं, मेरी सिस्टर ने, तो वो मेरी मामा से सीखी, क्योंकि मेरी मामा हमारे कपड़े स्टिच किया करती थी बचपन से ही, और जब घर में इस तरह का इन्वायरमेंट हो कि कुछ ऐसा काम फ्रिक्वेंटली होता रहे तो वैसे ही आपका इंटरेस्ट डिवेलप हो जाता है, जो कि मेरी सिस्टर का हो गया। तो ये थी जी आपकी दो बातें जिनका मैंने आंसर देना था। अभी मैं आपको बता दूँ कि हमने उसको स्टिच कर लिया है, स्टिच करने के बाद हमने क्या करना है कि एक हमने अगेन फैब्रिक का पीस ले लिया है जिसकी विड्थ जो है वो उससे कम ही है, क्योंकि हमने इनको ये जो साइड से हैं यहाँ से कवर करना है। तो आपने क्या करना है कि उसको इसी तरह रख के तो स्टिच कर लेना है, जैसे जैसे ये सर्कल बना हुआ है ना वैसे वैसे ही हमने उसको स्टिच करना है। अभी ये मैं आपको थोड़ा यहाँ से स्लो वीडियो में दिखाऊंगी कि ये किस तरह स्टिच हो रहा है ताकि यहाँ आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये देख लें हम उसको बिल्कुल साथ साथ से स्टिच कर रहे हैं, हम पूरे सर्कल को स्टिच नहीं कर रहे, इवन हम सेमी सर्कल भी स्टिच नहीं कर रहे, बस उसकी साइड से हम स्टिच कर रहे हैं क्योंकि हमें यही डिज़ाइन में चाहिए। बिल्कुल इसी तरह आपने सारे सर्कल्स के नीचे वो फैब्रिक लगा के स्टिच कर लेना है। ये हमारा जो डिज़ाइन है ये पूरा नेक लाइन से लेके टो तक है। अगर आप लोगों ने लास्ट हमारा व्लॉग देखा है तो उसमें आपने ये डिज़ाइन अच्छे से देख लिया होगा, लेकिन मैं इसके लास्ट पर भी आपको दिखा दूंगी कि ये हमारे पूरे गाउन पर डिज़ाइन है। तो इस वजह से हमारे ज़्यादा से सर्कल लगे हैं उसमें, और ये वाला फैब्रिक भी सारे सर्कल्स पे लगेगा। ये हमारे स्टिच हो गए हैं। अभी स्टिच होने के बाद हमने क्या करना है,
है, हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, जैसे जैसे हमारे सर्कल की शेप है या फिर जैसे जैसे हमने स्टिच किया है अभी रिसेंटली, तो उस वैसे वैसे ही हमने इसका जो एक्स्ट्रा ये वाला पोर्शन है इसको रिमूव करना है, क्योंकि इसको रिमूव करने के बाद हमने इस पर कट्स लगाने हैं और कट्स लगा के हमने इसको सीधा करना है ताकि हमारा जो सर्कल है वो इस तरफ से कवर हो जाए सारे के सारे सर्कल्स। तो हम यही कर रहे हैं जी, हमने ये इसको कर दिया है रिमूव, अभी हम इसको लगाते हैं छोटे छोटे से कट्स और फिर हम इसको कर लेंगे सीधा। जब तक ये सीधा हो रहा है आप सीधा जाएं, सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें, क्योंकि जब बेल आइकन आप प्रेस नहीं करते तो आप तक हमारी वीडियोज़ जाती ही नहीं हैं और फिर आप लोग हमारे दूसरी वीडियोज़ पे आके हम पे गुस्सा करते हैं कि हमने स्टिचिंग ट्यूटोरियल नहीं दिया या फिर जो आपकी डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई। तो मेरी बहनों और उनके भाइयों, अगर आप लोग बेल आइकन आप लोगों ने प्रेस किया होता है तो आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन जाता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है फिर कि हम कोई वीडियो अपलोड करें और आप तक आए ना, आपकी डिमांड पे ही बनी होती है वो वीडियो, आप तक तो जानी चाहिए। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लिया करें ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। अच्छा जी, ये हम मैं इस तरह बात कर रही थी कि ये हो गया है अब सारा सीधा, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमारे पास ये जो इसका साइड पे बच गया है ना पोर्शन, उसको भी हमने अब कवर करना है, क्योंकि हमारे डिज़ाइन में आपको ये वाला पोर्शन नहीं नज़र आ रहा। तो अभी हमने क्या करना है कि जितनी जितनी शेप हमारे पास उस सर्कल की है ना, बिल्कुल उतनी उतनी ही शेप हमने इसकी छोड़ देनी है और बाकी हमने सारा रिमूव कर देना है, क्योंकि अभी हमने अगेन इसको स्टिचेस लगाने हैं ताकि जो कवर हमने करना था वो तो कवर हो जाए लेकिन जो बाकी का पोर्शन रह गया है वो अंदर से नज़र नहीं आए। और एक और कमेंट मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली पढ़ रही हूँ कि अपनी सिस्टर के ड्रेसेस भी आप लोग हमें दिखाया करें ताकि उनसे भी हमें आइडियाज़ मिले। तो द थिंग इज़ दैट कि हमने आपको सारे डिज़ाइंस इसी तरह बनाने सिखा देने हैं, वो फिर मेरा ड्रेस हो, सिस्टर का हो, जिसका भी हो, क्योंकि हम कुछ डिज़ाइंस जो हम पहले बना चुके हैं उनको हम रिपीट भी कर देते हैं ताकि अगर आप लोगों ने हमारा वो वाला सूट नहीं देखा या हम पहले कभी पहन चुके हैं बट हमारी उसकी वीडियो नहीं बनी हुई तो वो डिज़ाइन आपको इस तरह इन ड्रेसेस में पता चल जाए। तो हमें जो नए नए यूनिक आइडियाज़ आते रहते हैं वो हम इसी तरह इन ड्रेसेस पे बनाते रहते हैं। तो आप लोगों ने ना इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम उन डिज़ाइन से महरूम हैं, हम आपको किसी भी डिज़ाइन से महरूम नहीं रहने देंगे, आपको ऐसा ऐसा सारे डिज़ाइन दिखा देंगे। तो जी ये हमारा जैसे मैंने आपको बताया था वो उतना ही पोर्शन जितना हमें रिक्वायर्ड था वो रख के बाकी सारा हमने उसको कट कर लिया और कट करने के बाद उसको स्टिच करके नीट कर लिया। अब यहाँ तक हमारा वो सर्कल्स कंप्लीट हो गए थे गाउन के, और अभी ये जो उसके अंदर डिज़ाइनिंग की हुई है उसके लिए हमें पट्टियाँ चाहिए। उसकी जो लेंथ है वो तो आप लोग अपने हिसाब से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पट्टियाँ चाहिए रख लीजिएगा, विड्थ हमारे पास 1 इंच है, 1 इंच की हमने पट्टी लेनी है, उसको हमने कर लेना है जी फोल्ड, और फोल्ड करने के बाद हमने उसको करना है स्टिच। अच्छा, आप लोगों ने ना एक बात का ख्याल रखना है कि ये गाउन का जो डिज़ाइन है ना उसमें जो सर्कल्स बने हैं ये वाले सर्कल डिफरेंट हैं उससे जो हमारे स्लीव्स में बने हैं, तो आप लोगों ने इसको कंफ्यूज नहीं करना इन दोनों को आपस में, क्योंकि उसके जो सर्कल्स हैं ना वो कपड़े के अंदर नहीं बने हुए, वो अलग से बने हैं और उनको हमने अटैच किया हुआ है, और गाउन में जो है वो कपड़े में बने हुए हैं, इसलिए हमने आपको 2 वीडियोस देनी है इसकी ताकि आप लोग दोनों तरीके से समझ सकें और फिर डिज़ाइन आप जिस पर भी चाहें अप्लाई कर सकें। तो जी ये हमारे पास आ गया है, वो काफ़ी सारी पट्टियाँ शट्टियाँ जो हमने इस पर लगानी हैं ये हमने स्लीव्स के लिए भी बना ली हैं और इसके लिए भी ये जो गाउन है उसके लिए भी हमने बना ली हैं। तो अभी मैं आपको गाउन के लिए इसकी लेंथ बता देती हूँ, स्लीव्स का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। गाउन के लिए हमें इसकी लेंथ चाहिए 3 इंचेस। तो ये स्टैंडर्ड साइज़ में आपने 3 इंच का एक पीस काट लेना है और उसके बाद आप उसी के साथ बाकी सारे पीसेस को मेयर करके काटते जाएँ। स्टैंडर्ड सेट करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपको हर एरा गैरा अप्रोच कर सकता है। जब आपका एक स्टैंडर्ड बना होता है तो फिर दूसरा बंदा आपसे बात करने से पहले ना 1000 दफ़ा सोचता है कि इस बात का मुझे आंसर किस तरह का मिलेगा। तो ईजीली अवेलेबल नहीं रहना चाहिए किसी के लिए, ना ही ईजिली अप्रोचेबल होना चाहिए, अपना आपको स्टैंडर्ड सेट करके रखना चाहिए। लेकिन हम आपके लिए ईजिली अप्रोचेबल हैं, आप हमें अगर कोई डिज़ाइन वगैरह सेंड करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें सेंड कर सकते हैं, और हमारी तो फिर आपके साथ अलग ही तरह की एफिलिएशन है ना, इसको आप दुनिया के पैमाने से ना ही मेयर करें तो अच्छा है। चलें जी, अभी मैं आपको दिखा दूँ कि आपने इसमें पिज्ज़ा की शेप बना देनी है, जैसे पिज्ज़ा के स्लाइस होते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने इसमें ये वाली पट्टियाँ लगा देनी हैं, और हम अभी आपको 1-2 ही बस बनाना सिखाएंगे, बाकी जो हैं वो हम कंप्लीट जब कर लेंगे तो उसके बाद हमने आपको स्टिच करते हुए बताना है। ये फ्रंट से भी देख लें, इस तरह ये लगता है, और आपने क्या करना है, इसको पूरे को स्टिच करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये जो सर्कल की बाउंड्री है इसको स्टिच कर लेना है। ये देख लें हमारे पास अभी ये हम आपको स्टिच करके दिखा देते हैं और फिर आपको
कंप्लीट लुक भी इसकी दिखाते हैं। तो आपने क्या करना है जी, इसको आराम आराम से स्टिच कर लेना है और स्टिच होने के बाद जी ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएंगी, कहीं नहीं हिलेंगी, कुछ भी नहीं होगा। इसको जितनी दफ़ा मर्जी वॉश करें कोई मसला नहीं होना। 99% हमारी वीडियोज़ वो लोग देखते हैं जिनको डिज़ाइन की सेंस होती है और उनको समझ आ रही होती है कि हमने कितनी एफर्ट की है, लेकिन 1% ऐसे भी आ जाते हैं नॉन सेंस से कमेंट, मुझे समझ नहीं आ रही होती, मैं उनका रिप्लाई भी क्या करूँ। लिखा होता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, इनको हम धोएंगे तो ख़राब हो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आती कि पता नहीं वो टांगों से पाँव से धोते हैं या फिर उनके वॉशिंग मशीन में कांटे लगे होते हैं, ख़राब कैसे हो जाते हैं। मैंने तो अपनी मामा को डिज़ाइनिंग करते देखा और अपनी सिस्टर को भी अब देख रही हूँ, तो हम लोग इतने बेवकूफ़ तो नहीं हैं कि अनप्रैक्टिकल डिज़ाइंस पे हम लोग इतने इतने पैसे लगा दें सिर्फ एक दफ़ा पहनने के लिए। तो हमारे डिज़ाइंस तो ख़राब नहीं होते, फिर उनके शायद दिमाग की ख़राबी होती है, चलें जो भी होता है, बट आप लोग हमें इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं तो वो 2-3 इलॉजिकल कमेंट्स जो हैं वो मैटर नहीं करते। अभी दे दें मुझे इजाज़त, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी, बाकी कोई क्वेरी हो तो आपकी बहन हाजिर। अब आप प्यारे से लोगों के लिए एक प्यारा सा शेर कि दोस्तों से बिछड़ के ये बात जानी है, बदतमीज़ थे मगर रौनक उन्हीं से थी। अल्लाह हाफिज़।